नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो अपने नाम के साथ साथ अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। और पूरी टीम का धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मैं कपिल अग्रवाल हूँ, वर्तमान में मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार मंत्री का दायित्व मेरे पास है और दूसरी बार में मंत्री हूँ और तीसरी बार में विधायक के रूप में जनता के द्वारा चुना गया हूँ। इससे पूर्व में 2006 से 11 तक मेरे पास नगर पालिका अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के नाते भी जनता ने मुझको चुना और उसके पूरे मेरे पास संघ का दायित्व, RSS की वर्किंग, समाज के बहुत सारे क्षेत्र, सामाजिक संस्थाएं, रोटरी क्लब, लायन क्लब, भारत विकास परिषद, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और समाज के बहुत सारे सेक्टर्स, तो वहां से मेरा एक सेवा का कार्य शुरू हुआ और वर्तमान में मैं लगातार अपने विभाग के लिए और विभाग के साथ साथ अन्य क्षेत्र जो भी राजनीतिक रूप से हमको आवश्यकता पड़ती है या हमको बताया जाता है संगठन के द्वारा या मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका हम निर्वहन करने की हम कोशिश करते हैं। कपिल जी, हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं, उन्हें पूरा करने की लगन होती है, आपके क्या सपने? नहीं, सपने नहीं होते, सपने होते ठीक है, लेकिन हमने सपने के रूप में इसको नहीं किया, हमने सेवा के रूप में इसको अडॉप्ट किया। क्योंकि मैंने जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में था, अपनी पढ़ाई कर रहा था या सामाजिक क्षेत्र में, तो देखा बहुत सारी दिक्कतें समाज के अंदर रहती हैं, गरीबों की, निर्धन लोगों की, रिक्शा वाले, रेड़े वाले, ठेले वाले, पटरी वाले, और हम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी को लंबे समय से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, तो कैसा जीवन, यानी बहुत गरीबी के अंदर उन्होंने स्वयं भी जीवन जिया और उन्होंने कहा अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और अंतिम व्यक्ति का मुस्कान और अंतिम व्यक्ति का कल्याण। तो ये बातें सुनने में असंभव सी लगती थी, पर 2014 में जब तो विधायक भी नहीं बना था, तब जब प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और जिस प्रकार से उन्हें शौचालय, गरीबों के मकान, उनके बैंकों में खाते, रेडी पटरी वालों की सुविधाएं, जनधन के खाते, आयुष्मान योजना के अंदर उनको चिकित्सा सुविधा और गरीबों को खाद्यान्न और सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनको बिजली का कनेक्शन, यानी ऐसा लगा कि क्रांतिकारी परिवर्तन माने प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री भी कोई होते हैं या प्रधानमंत्री भी काम करते हैं। पहले की सरकारों में हमने देखा है कि लगता ही नहीं था केंद्र सरकार क्या काम करती है, पर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके लोगों से हर व्यक्ति से जुड़ना, हर व्यक्ति से बातचीत करना, प्रति माह मन की बात करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको पूरे देश और दुनिया के लोगों को बताना जी। और उसके कारण से दुनिया भर में जिस प्रकार से स्वीकारता माने प्रधानमंत्री जी की हुई और जनता ने उनको पसंद किया, यहाँ तक कि जब नोटबंदी का भी कानून आया तब भी लोगों ने इस बात का भरोसा किया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है तो निश्चित रूप से इसके अंदर कोई ना कोई देश का बड़ा एजेंडा होगा। धारा 370 हटी, कितना बड़ा कानून देश के अंदर लाया गया। हम लोग नारा लगाते थे बहुत छोटे संघ के कार्यकर्ता के रूप में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, और केवल कल्पना करते थे, ऐसा नहीं लगता था कश्मीर कभी हमारा हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, हमारी पूरी संसद ने उसको करके दिखाया और धारा 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया, एक बड़ा कानून ला करके, और सबसे बड़ी बात ये पूरे कश्मीर के अंदर पत्ता भी नहीं हिला, यानी कानून की कितनी बड़ा नियंत्रण उन्होंने करने का काम किया। भगवान राम का मंदिर बन रहा है हम सब की आंखों के सामने, हम छोटे थे, राम राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बहुत सारे नारे लगते थे और मंदिर बनाने का संकल्प हम सब ने किया, पर मंदिर बन जाएगा इसकी बहुत सारी बाध्यताएं इसके अंदर थी। तो प्रधानमंत्री ने वातावरण बनाया और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, जब पिछली सरकार में विश्व हिंदू परिषद ने बहुत दबाव प्रधानमंत्री जी के ऊपर बनाया या सरकार पर बनाया कि निर्णय क्यों नहीं हो रहा, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय का जो निर्णय होगा उसका हम पालन करें, और ये ईश्वर की, भगवान राम की, हनुमान जी कृपा है कि निर्णय भगवान राम के या मंदिर के पक्ष में आया और भगवान राम का भव्य मंदिर वो बन रहा पूरी दुनिया के सामने, और उसके कारण से हम सब की, भारत की एक मान्यता, एक हमारी संस्कृति की मान्यता लगातार बढ़ी है और पूरी दुनिया में किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति को मानने वाले, भारत के प्रति सम्मान रखने वाले,
हिंदू संस्कृति का सम्मान करने वाले, ये जो दुनिया भर के सब लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान राम का मंदिर है, इसी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। और हम सब गौरवान्वित इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये प्रदेश और हिंदुस्तान लगातार प्रगति कर रहा है। कपिल जी, इंसान की जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है और आप आज जिस मुकाम पर हैं, यहाँ पर पहुंचने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरा परिवार, हमारे पिताजी बहुत साधारण, बहुत ही साधारण परिवार से। अब मैं कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी चाय बेचते थे तो हमने भी बहुत गरीबी का समय काटा है जी। तो वो तो तुलना ठीक नहीं है उसकी, मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा, फिर वो बड़े हमारे नेतृत्व से उसकी तुलना हो जाएगी। पर बहुत साधारण जीवन में हमने अपने काटा, साइकिल स्कूटी विक्की उस समय हुआ करती थी, बाद में हमको वो मिल गई पढ़ाई के साथ साथ। पर एक मन में विजन हमेशा रहा कि ईमानदारी से हमको काम करना है, परिश्रम करना है और कभी ना थकने वाला काम, दिन रात मेहनत। सुबह जाएंगे तो बच्चों के साथ मिलने चले जाएंगे, संघ की शाखा में चले जाएंगे, बच्चों से मिलने स्टेडियम में चले जाएंगे, कंपनी में जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोगों से कंपनी भावे मिलने चले जाएंगे, और स्कूलों के माध्यम से बच्चों, यानी सबकी समस्याओं को जानना। और इसे संघर्ष भी लगातार जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे समस्याएं भी आती रही, पर ईमानदारी से और दिल से हमने उनकी मदद करें, कितनी मदद हो पाई ये आंकलन मेरे द्वारा ठीक नहीं है, ये आंकलन मेरे क्षेत्र की जनता करेगी, हमारे जानने वाले लोग करेंगे, पर मैंने ईमानदारी से और अपने दिल से उन लोगों की मदद करने की कोशिश की है। और ईश्वर की बहुत कृपा है कि एक बार नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में और तीसरी बार, और मैं 2016 में उपचुनाव जीता समाजवादी पार्टी की सरकार में, और ये तब की बात है जब हमारे 47 विधायक हुआ करते थे, उस समय उपचुनाव जीतना एक बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल मुकाम था, पर क्षेत्र की जनता ने हमको चुन करके यहाँ पर भेजा, तो मैं बहुत हृदय की गहराइयों से उस उपचुनाव के लिए, उसके बाद दूसरी बार फिर तीसरी बार, निश्चित रूप से बड़ा विश्वास हमारे क्षेत्र की जनता ने हमारे प्रति कायम किया है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनके प्रति, और शब्दों में वो कृतज्ञता अभिव्यक्त की ही नहीं जा सकती, ना उसका कोई धन्यवाद हो सकता है, केवल मैं उनको प्रणाम करता हूँ हृदय की गहराइयों से। कपिल जी, कब आपने सोचा कि राजनीति में जाना चाहिए? कभी भी नहीं सोचा। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में संघ में लगातार काम कर रहा था, और 2016 में, उससे पहले 2002 में, मैं 2002 में विधानसभा चुनाव लड़ा, तब 5000 वोटों से चुनाव हारा। तो 2002 का मतलब जिसमें मेरी वर्किंग थी, तो संगठन ने, एक जो संगठन की पारखी नज़र होती है, तत्कालीन हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे संगठन मंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि नहीं, कपिल देव ठीक कैंडिडेट रहेगा। तो मैं चुनाव नहीं जीत पाया, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम नहीं चुनाव जीते, लेकिन लगातार हम एक दिन भी ना रुके, ना हटे और ना हमने कोई समर्पण किया, लगातार परिश्रम करते रहे। और उसके बाद संगठन की कृपा हमारे ऊपर हुई, पार्टी कहकर के हमको नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में एक चुनौती का सामना करने का मौका दिया। 25,000 मतों से हम नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीते, अच्छे से काम किया, तो पार्टी ने फिर मुझको 2016 में विधायक के रूप में दोबारा चुनाव का अवसर दिया। कपिल जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों है? दीनदयाल उपाध्याय जी को लगातार पढ़ते रहे जब कक्षाओं में, फिर उसके बाद बहुत सारी परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जो हमारे सरसंचालक रहे हैं, उनके जीवन से, गुरु जी के जीवन से बहुत सारे ऐसे प्रसंग, यानी छोटे छोटे, जैसे भगवान राम है तो भगवान राम ने कैसे किया, भगवान राम ने अयोध्या से सेना नहीं मंगाई, भगवान राम ने वहीं से गिरिवासी और वनवासी और ऐसे आदिवासी ऐसे सब लोगों का संगठन बना करके और उन्हीं से ही सेना तैयार करके, वानरों की सेना तैयार करके लंका पर चढ़ाई की और लंका पर विजय प्राप्त करने का काम किया। तो संघ भी लगातार इसी प्रकार का काम करता है कि संघ ने समाज के उन लोगों को जोड़ने का काम किया जो कि निरीह हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, और जिनका धर्मांतरण करने की बहुत सारी ईसाई मशीनरी लगातार काम करती रही लंबे समय तक, ऐसे सब लोग, तो उनके बीच में ही हम लगातार काम करते रहे और वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य डॉक्टर साहब विश्व में हम सब के प्रेरणा स्रोत रहे। और प्रधानमंत्री जी के रूप में जब मोदी जी को हमने मुख्यमंत्री के रूप में जाना, उसके बाद योगी जी हमारे चुनाव में भी आए 2016 में भी, सांसद के रूप में जब वो लोकसभा के अंदर बोलते थे, और कितनी कड़क और कितनी आत्मीयता के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ और कितने प्रभावी ढंग से अपनी बात को संसद में भी रखते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे सीखने का व्यक्ति को मिलता है। तो वर्तमान में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और उनसे हमको ऊर्जा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। कपिल जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं, हम दिल से राजनीति करते हैं और स्वार्थ की राजनीति नहीं करते हैं। देश के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करते। व्यक्ति का स्वार्थ भी होता है पर सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद समाज और उसके बाद व्यक्तिगत। तो उसी क्रम में हम लोग काम करते हैं। सर्वोच्च तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं। और उसी के नाते हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग लगातार हमारी संघ की चार पीढ़ियां इस संघ को खड़ा करने में, जो संघ आज आपको दिखता है, चाहे हमारे राष्ट्रपति जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों या अन्य उच्च पदों पर जो लोग विराजमान हैं, तो लोगों को दिखता है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, पर जो जीवन उन्होंने गढ़ा है, जो जीवन उन्होंने जिया, जो कष्ट उन्होंने जिए, जो लंबे समय उन्होंने अध्ययन किया, उनका जो जीवन का अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर आज नरेंद्र मोदी बन पाए, तो वो वैसे ही नहीं कहीं से अवतरित हुए, उसके पीछे संगठन की बहुत बड़ी प्रेरणा है, संगठन का बहुत बड़ा समर्पण उनको बनाने में है। एक एक व्यक्ति को, जैसे देश के एक एक नौजवान या देश का एक सैनिक, उसको गढ़ने के लिए सरकार का समय, पैसा, ताकत, मार्गदर्शन लगती है, ऐसे एक एक व्यक्ति को गढ़ने में संगठन की भी ताकत लगती है। एक एक विधायक के बनने में, एक कार्यकर्ता के बनने में कितना परिश्रम संगठन का लगता है। तो उन्हीं में से हमारे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और फिर उसी से ही एक छोटे से पुष्प के रूप में मुझको भी आगे बढ़ने का मौका मिला। कपिल जी, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ बेहतर किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारे काम लगातार हमारे चल रहे हैं। पूर्व की सरकारों में ये डिपार्टमेंट लगभग बिल्कुल ना के बराबर, यानी काम था, टारगेट पूरे होते थे लेकिन नहीं होता था। हमने सबसे बड़ा काम ये किया कि हमारे आने के बाद जो बहुत सारे मिशन में हमारे टारगेट्स लोगों को दिए जाते ट्रेनिंग के लिए, उनका प्रशिक्षण प्रॉपर नहीं होता था, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए जाते थे। हमने बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करके ऐसी सब एजेंसियों को बैन करने का काम किया जो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थी या कुछ फर्जीवाड़ा भी करने का काम करते। आईटीआई के अंदर भी हमने किया है, जो बायोमेट्रिक सिस्टम ने शुरू किया प्रेजेंस का बच्चों की, जो बच्चे नहीं आते थे या प्राइवेट आईटीआई जो काम नहीं करती थी, ऐसे सब लोगों ने ब्लैकलिस्ट करने का काम किया। यानी पहले डिपार्टमेंट की स्वच्छता, उसकी शुद्धि, उसमें जो फर्जीवाड़ा था उसको बंद करने का काम किया। आज लगातार विभिन्न सेक्टरों के अंदर बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं, उदाहरण के लिए वीमार्ट है, मैं कल गया वहाँ पे वीमार्ट में हम गए, अम्मा जो हमारी अहमदाबाद की, वहाँ की शायद हैदराबाद की हैं, एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविटी में एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ग्रुप चला रखे हैं, उनकी सोशल एक्टिविटी चलती हैं और संस्थाएं भी चलती हैं। उसके अलावा अपोलो, उसके अलावा महिंद्रा, मारुति, ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनमें बच्चों से ट्रेनिंग करवा करके वो अपने ही जॉब देने का काम करते हैं। तो यानी उन बच्चों को वो अपने ढंग से स्किल करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं बेटियों को, बच्चों को, और फिर अपने आपको जॉब दिलवाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटलिटी में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, सोलर ऊर्जा के सेक्टर में। इतना लगातार हम काम कर रहे हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग दिलवा करके उनका प्रशिक्षण लगातार हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये स्किल डेवलपमेंट है और उसने मुझकी सेवा करके और बच्चों को प्रशिक्षित करा करके, ट्रेनिंग करा करके उनको रोजगार से जोड़ने का और वो एंटरप्रेन्योर बनाने का हम लगातार काम कर रहे हैं। कपिल जी, विपक्ष हमेशा से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार को घेरता रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझको लगता है कि विपक्ष बेरोजगार है, सरकार तो ठीक काम कर रही है। 6.5 लाख नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार में दी है 5.5 वर्ष में। एक भी पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक भी पैसे का लेन देन का आरोप नहीं, बड़ी बात है। सौदे होते थे सीटों के, एक जाति के लोग रखे जाते थे और सब लोग निकल पड़ते थे कमाई करने के लिए, उगाही करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज युवा को मकान नहीं बेचना पड़ता, प्रॉपर्टी और मकान और जमीन आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती। एक तरफ एग्जाम की तैयारी करता था, एक पर तरफ अपने पिताजी पर दबाव बनाता था कि मेरे 10 लाख 20 लाख का इंतजाम करना है और मुझे सरकारी नौकरी में रिश्वत देनी है। ये मुकाम हासिल किया है ईमानदारी के साथ। तो ये बात ठीक है, हम भी अपने चाहने वालों को नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं, पर आज उन लोगों ने हमारे पर आना बंद कर दिया। उनको पता है कि ईमानदारी से ही नौकरी मिलेगी, परिश्रम से ही नौकरी मिलेगी, सिफारिश से नौकरी नहीं मिलेगी। एक बात, नंबर दो बात यह है कि हमने लगातार अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी स्किल सेक्टर में लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का हम लगातार काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनके पास आक्षेप लगाने के पास काम ही नहीं है। चूंकि गुंडागर्दी खत्म हुई है तो उनके लोग बेरोजगार हो गए, धंधेबाजी खत्म हुई है, उगाही बंद हुई है, धमकाना बंद हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, चोरी चकारी उन लोगों जो संरक्षण देने का काम करते वो सचिव बंद हुई है। तो बहुत सारे ऐसे विरोधी लोग जो आज बेरोजगार रोजगार हुए हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हम बेरोजगार हो गए, बाकी प्रदेश के अंदर ठीक प्रकार से काम माने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है।
कपिल जी, अगर मैं बात करूं तो अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, फिर आगे लोकसभा के चुनाव होंगे, इसके लिए कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन तैयार रहता है। हम सुबह तैयार होते हैं नहा धोकर के जल्दी और निकल पड़ते हैं लोगों से मिलने के लिए, संपर्क के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। और वो कभी लगता ही नहीं कि चुनाव आ गया है। अभी हमने विधानसभा का चुनाव दूसरी बार जीता, जनता के बीच में नहीं गए होते तो जनता हमको नकार देती। इसके बाद उससे पूर्व हमने लोकसभा का चुनाव जीता, अभी निकाय का चुनाव आ गया है। तो निकाय के चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। बूथ तक का मैनेजमेंट हमारा हुआ है। बूथ के अलावा हमारी फिर जो पेज होता है पन्ना प्रमुख जिसको हम बोलते हैं, उस तक की तैयारी हमारी है। और लगातार समाज के बीच भी संपर्क है और ईमानदारी से काम हुआ है। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखो कि जितने हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, हमारे व्यापारी हैं, आपने देखा होगा 1,40,000 करोड़ का कलेक्शन एक महीने के अंदर हुआ है। तो ये कलेक्शन पहले भी होता था, थोड़ा कम होता था, लेकिन उद्यमी को ये भरोसा नहीं था कि तुम्हारा पैसा ठीक जगह लग रहा है। आज बहुत जिम्मेदारी से बात मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि उद्यमी टैक्स देता हुआ आज परेशान नहीं होता है, उसको प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसको पता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, सड़कें, खाद्यान्न, राशन, बिजली, बिजली का बिल, गरीबों को बिजली में सुविधाएं, आयुष्मान योजनाएं, लोगों को गैस के कनेक्शन, यानी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, आज हर घर के अंदर नल से जल, यानी बोरिंग करा कर पूरे हिंदुस्तान में गाँव के अंदर जल भेजा जा रहा है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने प्रधानमंत्री जी का है, जल जीवन मिशन का, गंगा की स्वच्छता हो रही है। तो लोगों को लग रहा है जो तुम टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देते हो उसका 100% उपयोग हो रहा है और कोई भी पैसा भ्रष्टाचार में नहीं जा रहा है। तो उसी कारण से आज जनता नगर पालिका का निकाय का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को देगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करता हूँ और मुझको भरोसा भी है। चूंकि अभी डबल इंजन की सरकार है, तब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, चूंकि स्थानीय निकायों पर भी अच्छा पैसा आता है। अभी लोग मिलकर के अपने विधायक, अपने सांसद और जनप्रतिनिधि जो नगर निकाय के रूप में चुने जाएंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे मेयर हो, मिलकर काम करेंगे तो और तेजी के साथ विकास होगा। कपिल जी, प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, देखिए एक मुहिम चल रही है मोदी हटाओ, एक मुहिम चल रही है योगी हटाओ। क्यों हटाओ भाई? कोई जवाब नहीं है उनके पास, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है, कोई कहने के लिए, कोई आक्षेप लगाने, अनावश्यक बोलने के अलावा कोई आक्षेप लगाने। 8.5 साल की सरकार है मोदी जी की, लगभग 6 वर्ष की सरकार योगी जी की, एक पैसे का कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। फिर भी हटाओ, नहीं मोदी हटाओ, योगी हटाओ, तो लोगों का एजेंडा है मोदी योगी को हटाओ। क्यों? कि उनकी दुकानें बंद हैं। मैं जनता से, जो लोग देखेंगे, देख रहे हैं इस चैनल को, उनके माध्यम से मैं जनता अपील करना चाहूँगा कि सरकार बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद मोदी जी के रूप में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक बढ़िया नेतृत्व, शानदार नेतृत्व हम लोगों को मिला है, जो ईमानदार भी है और अपने काम के प्रति और समाज के प्रति और देश के प्रति समर्पित भी है। ऐसे लोगों को लंबे समय तक बनाए रखें, उन पर भरोसा करें, उनको आशीर्वाद दें। और ये अगर लंबे समय तक काम चलता है तो असामाजिक तत्व, असामाजिक गतिविधियाँ, ये आतंकवाद, ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार और देश की तरफ आंखें गड़ाए ऐसे बहुत सारे विरोधी लोग, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और देश पुनः विश्वगुरु बनेगा। इसलिए मोदी जी का, योगी जी का लंबे समय तक इन पदों पर रहना बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो ये थे व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि